Hello student, welcome to online class. I will teach you history of class 6. Topic is Stone Age. First of all, I want to discuss history. What is history? The period of the retained records of the event of the past is called history. इतिहास जो हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं और उससे जो जानकारी मिलती है वो फ्यूचर के लिए काफ़ी मदद होती है, इसीलिए इतिहास पढ़ा जाता है। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एशियन हिस्ट्री का जो पीरियड है 7000 BC टू 647 AD, रीडिंग क्लास 6, एंड मिडिवल हिस्ट्री 647 AD टू 1707, रीडिंग क्लास 7, एंड मॉडर्न हिस्ट्री 1707 टू 1947, रीडिंग क्लास 8। टुडे आई विल टीच ओनली एशियन हिस्ट्री। एशियन हिस्ट्री, व्हाट इज एशियन हिस्ट्री? The history of ancient India is divided 3 parts. Ancient history को divide 3 parts में किए गए हैं, prehistory, prohistory and history. Prehistory की जो हम लोग को जानकारी मिलती है वो archaeological से मिलती है, जिसको पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है, उसे prehistory बोलते हैं। Prohistory archaeological and literature से जिसकी जानकारी मिलती है उसे prohistory बोलते हैं। वैदिक एज एंड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन इसी के अंतर्गत आते हैं, एंड हिस्ट्री को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें आर्कियोलॉजिकल लिटरेस एंड फॉरनर से जिनकी जानकारी मिलती है उसे हिस्ट्री कहा जाता है। फर्स्ट प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज को पैलोथिक एज भी कहा जाता है। सेकेंड मेसोलिथिक एज जिसको मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, एंड थर्ड न्यूलिथिक एज उसे न्यू स्टोन एज कहा जाता है। फर्स्ट प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री का जो टाइम है 7000 BC टू 10000 BC। तो सेम इसमें क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंजिंग आया था। चेंजिंग क्या कि नॉर्थ पोल जो है वो 45 एंड सॉर्दर्न जो है वो 25 लेटिट्यूड की तरफ में जो आइस था वह पिघल कर आ गए थे, जिसके चलते क्लाइमेट के दृष्टिकोण से यहाँ पर जो लाइफ के लिए अनुकूल माना गया, और यहीं से कहा जाता है कि प्री हिस्ट्री से ही अर्थ पर एक लाइफ डेवलप स्टार्ट हुआ था। प्री हिस्ट्री या ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज में लोग सिर्फ उस समय बड़े बड़े पत्थरों का शिकार करते थे, इसीलिए उसे स्टोन एज कहा गया है। इसमें उसका जो टूल्स थे क्लेवर, चिप्स, चैपर, ये सब टूल्स को यूज करते थे, और इसका एरिया जो था उसमें से बोरी जो प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र है, कर्नूल आंध्र प्रदेश, मिर्जापुर एंड बेलन प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश का, भोपाल में भी प्रेजेंट टाइम में इसे, डिडवाना राजस्थान, एक प्री हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट एरिया माना जाता है। प्री हिस्ट्री में पीपल डिस्कवरी ऑफ फायर यानी आग का भी आविष्कार किए थे, आग का खोज कर लिए थे। तो इसके लाइफ में एक नया चेंजिंग आया, एक नया परिवर्तन आया था। मिडिल स्टोन एज जिसे मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है, 6000 BC मेसोलिथिक एज, 10000 BC टू 6000 BC। इसमें टूल्स को जेस्पर सबसे ज्यादा यूज करते थे। एरिया में वेस्ट बंगाल के बीरभानपुर, गुजरात के लंगनज, तमिलनाडु के टेरी ग्रुप, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एंड राजस्थान के बगौर एक इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक एज का एक एरिया है। एंड द पीपल ऑफ मिडिल स्टोन एज हैड लर्न, मिडिल स्टोन एज में पीपल जो थे एक तरह से काफ़ी डेवलप के रूप में आए थे, क्योंकि उसमें मैथोलिथ
मीन्स छोटे छोटे स्टोन के आर्क बनाते थे 1 to 8 सेंटीमीटर। उसमें कैचिंग द फिश एनिमल मनुष्य फर्स्ट टाइम मछली पकड़ना सीख लिए थे मिडिल स्टोन एज। बर्ड हंटिंग यानी पक्षियों को शिकार करना एनिमल्स को उन्होंने अपना डोमेस्टिक मानना शुरू कर दिए थे। एक्रॉस जो तीर चलाना कहते हैं तीर चलाना भी सीख लिए थे। पीपल हैड लर्न टू फाइट मिडिल स्टोन एज में मनुष्य मानवीय युद्ध करना भी प्रारंभ कर दिए थे। तो इस तरह से मेसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। एंड नेक्स्ट जो थर्ड न्यू स्टोन एज 6000 BC to 4000 BC न्यू लिथिक एज को न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है क्योंकि न्यू स्टोन एज में एक लाइफ जो था वो काफ़ी डेवलप हो चुका था। एंड उस समय मनुष्य व्हील का एक पहले का आविष्कार कर चुके थे। बिल्ड अ हाउस घर बनाना भी सीख लिए थे। विलेज कम्युनिटी गांव को एक समूह के रूप में रहना भी सीख लिए थे। और एग्रीकल्चर भी बड़े पैमाने पर प्रारंभ हो चुका था। एंड मेहरगढ़ ऑफ बलूचिस्तान जो इम्पोर्टेंट टर्म है जिसमें एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए सबसे मेन माना जाता था। एंड बेस्ट ऑफ एक्सिस के आधार पर न्यू स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ वेस्ट जम्मू कश्मीर के पार्ट को कहा जाता है। और इस समय न्यू स्टोन एज का एक काफ़ी एक तरह से एरिया जो था वो डेवलप हो चुका था। नॉर्थ ईस्ट एरिया बिहार असम एंड यूपी के आसपास के क्षेत्र थे जो काफ़ी डेवलप थे। एंड साउथ इंडिया के क्षेत्र में आयरन का डिस्कवरी हो चुका था। फर्स्ट टाइम आयरन का खोज हुआ था जिससे लोगों का एक लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो इस तरह से स्टोन एज को मेन पार्ट में कहा जाता है। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। थैंक यू।